हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, कल मतलब पिछले वीडियो में मैं अपना बताई थी कि हमारा त्यौहार आने वाला है छेरछेरा का बोल के। तो फाइनली आज त्यौहार है हमारा, और गांव साइड हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे से मना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे लोग थैला ले लेके मतलब गाँव में घूमते हैं, और जो किसान रहते हैं वो एक टोकरी में धान रखा रहता है, अपना घर के बाहर में धान रखा रहता है, और जब बच्चे लोग आते हैं तो उसको मुट्ठी से या जैसे भी अपना इच्छा हो वैसे धान देते हैं। वैसा ही मतलब जो भी हो जाए, पैसा, धान, चॉकलेट वगैरह सब देते हैं। तो हम लोग छत्तीसगढ़ में नहीं रहते, अभी बाहर रहते हैं हैदराबाद में। तो मैं भी कुछ रोटी वगैरह बना रही हूँ क्योंकि मेरे हेडेक पेन कर रहा है, तबीयत भी ठीक नहीं है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे आज, थोड़ा ही कुछ बनाएंगे। तो बना रही मैं, आप लोगों को बताती हूँ। तो गाइस, ये देखिए मैं पकोड़ा बनाने वाली हूँ, क्या बोलते हैं जो प्याज भाजी है, कच्चा वाला प्याज भाजी, उसका पकोड़ा बनाऊँगी मैं। इसको पहले से फेंट के रखी हूँ, प्याज भाजी और बेसन, चने का दाल और सूजी का आटा का थोड़ा, और आटा और नमक वगैरह डाल के अच्छे से फेंट के रखी हूँ। कढ़ाई गर्म हो गया, तेल डालूँगी इसमें, और तबीयत अच्छा नहीं है गाइस, बहुत मौसम ख़राब है। सुबह तो बारिश भी हो रहा था इधर, इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं बना रहे हैं। मैं तो बहुत सारा बनाऊंगी बोल के सोची थी, और बहुत सारा सामान भी लाई थी कल मार्केट से। ये दाल लाई थी, इसको बड़ा बनाने वाली थी, और ये सूजी का भी रोटी बनाने वाली थी, लेकिन कुछ भी नहीं बना पा रही हूँ मैं, तबीयत अच्छा नहीं है। दूसरे दिन बनाऊंगी, आज फ़िलहाल त्यौहार है तो कुछ बनाऊंगी। पूड़ी देख रही हूँ बना रही हूँ कि नहीं, और चिकन वगैरह बनाएंगे आज। तो देखिए गाइस, कितना मौसम ख़राब है, बिल्कुल रात दिन भर से धूप नहीं निकल रहा था, सुबह तो बारिश भी हो रहा था। देखिए मिट्टी पूरा कच्चा कच्चा है, इधर कच्चा कच्चा है, इसलिए तबीयत ख़राब हो रही है सबका। तो उतना कुछ नहीं कर रहे हैं, और गांव में रहते तो गांव का तो बात ही छोड़िए, अब बाहर में है तो कुछ। फिर त्यौहार है हमारे देश राज्य का, देश का नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य का त्यौहार है। तो ठीक है, मैं पकौड़ा बना रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ। तो गाइस, फाइनली तेल गर्म हो गया, और मैं इसमें डाल रही हूँ ये बेसन का घोल। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा फेमस रोटी है वो है मतलब कि बड़ा, जो मूंग दाल बोलती हूँ, उड़द का दाल का बनता है, सबसे फेमस है वो, मतलब कि हर त्यौहार में वो बनना ही है। बट यहाँ मैं नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास मिक्सी नहीं है, उसको पीसना पड़ता है, या तो जो हम लोगों को इधर पत्थर का रहता है ना चटनी वटनी बनाने का गांव साइड, उसमें पीसते हैं, मिक्सी में नहीं पीसते। और बट यहाँ वो भी नहीं है तो मिक्सी से पीस लेते हैं, बट नहीं है तो नहीं बनाई उसके लिए। और गाइस, मेरा पकौड़ा कढ़ाई में जल्दी तैयार होने वाला है। कैसे दिख रहा है, एक बार निकाल लेते हैं, फर्स्ट देखती हूँ कि नमक वगैरह कैसे डाला है बोल। तो गाइस देखिए, फर्स्ट जो डाली थी वो मैं निकाल दी भजिया को, पकोड़े को, और ये देखिए पूरा कुरकुरे कुरकुरे मस्त एकदम से बन गया है, तैयार है। तो फर्स्ट बार है तो त्यौहार का रोटी, तो फर्स्ट मैं इसको अग्निदेव को चढ़ाऊंगी, क्योंकि हम लोग उधर रहते हैं तो चूल्हे पे चढ़ाते हैं, बस यहाँ चूल्हा तो हमारे गैस है, तो फर्स्ट अग्निदेव को, फिर बाद में हम लोग खाएँगे। और ऐसे ही मैं धीरे धीरे सबको बना लेती हूँ, हम लोगों को पहले बना लेती हूँ। तो गाइस, फाइनली प्याज वाला पकोड़ा है पूरा तैयार, रेडी हो गया। और यहाँ पे मैं इस बिल्कुल सूजी आटे का
और थोड़ा सा मैदा ली हूँ, बिल्कुल सूजी आटे का एक पकौड़ा बना रही हूँ मैं। दो तीन सैंपल देख रही हूँ अभी, उसके बाद पूरा डालूँगी। और ये पूरा रेडी हो गया देखिए, ये भी अच्छा से बन रहा है। देखते हैं कैसा लग रहा है, मतलब कि इसका घोल है वो अच्छा से फिटा है कि नहीं बोल के, मिक्स हुआ है कि नहीं बोल के। चार डाली हूँ, अच्छा से हो गया होगा तो पूरा डालूँगी। मेरी रोटी बनाने का काम हो गया है, पूरा पकौड़ा बन गया है। अब ये तेल बचा है उसको थोड़ा, ये ऑयल को ठंडा कर रही हूँ, फिर डिब्बे में डालूँगी। फिर इसी कढ़ाई से मेरे को चिकन बनाना है, चिकन लेके आए हैं हाफ के जी, तो उसको बनाऊँगी मैं। और ये बिल्कुल सूजी आटे का है, सूजी आटा और थोड़ा सा चने का दाल का आटा बनाई हूँ। ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार बनाई हूँ मैं भी, सुनी थी दूसरे से, तो बना के देखी हूँ। और ये है वो प्याज भाजी वाला है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, कुरकुरेदार एकदम से। और ये थोड़ा मुलायम बना है, ये भी अच्छा लग रहा है। और आज पूड़ी बनाएंगे बोल रही थी, तो नहीं गाइस नहीं बनाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी बना खा लेंगे। तो जो सामान वामान लाई हूँ वो बहुत बचा है, इधर भी बचा है, ये तो पूरा पूरा यूज ही नहीं हुआ है, देखेंगे अब। तो फ्रेंड देखिए, मौसम तो इतना ख़राब चल रहा है, तो इसमें पकोड़ा ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा बोल के मैं पकोड़ा बना दी। और पूरा धूप ही नहीं निकल रहा है, तबीयत सबका ख़राब चल रहा है, वरना मैं मीठा भी रोटी बनाने वाली थी, वही सूजी आटे का मीठा रोटी बनता है, तो उसी को बनाएंगी बोल के बोल रही थी। तो फ्रेंड अभी मैं जा रही हूँ चिकन बनाऊँगी, तो आप लोगों को चिकन मैं कैसे बना रही हूँ उसको मैं बता रही हूँ। भजिया पकौड़ा है वो तैयार हो गया है, भजिया जो बोलती हूँ छत्तीसगढ़ी में भजिया बोलते हैं, तो मैं भी भजिया बोलने लगती हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ चिकन, देखिए फ्रेश धो ली मैं इसको, और लहसुन भी नहीं मसाला बनाने के लिए छील ली हूँ। और गर्म हो जाएगा कढ़ाई तो फिर इसको मैं फ्राई करूँगी। और अभी रात हो गया इसलिए धुंधला धुंधला दिख रहा है, देखिए लाइट के प्रकाश से बना रही हूँ मैं। तो गाइस ठीक है, मेरे ब्लॉगिंग में बने रहिए कंटिन्यू, देखिए कैसे मैं चिकन बना रही हूँ उसको। आज थोड़ा त्यौहार है तो छत्तीसगढ़ी चिकन बनाऊँगी, छत्तीसगढ़ में जैसे बनाते हैं वैसे बनाऊँगी। पहले मैं चिकन को जीरा डाल के फ्राई कर रही हूँ, अभी डाली हूँ इसको, और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, उसके बाद बनाएंगे हम लोग छत्तीसगढ़ी चिकन। तो गाइस लहसुन का अच्छा फ्लेवर लाने के लिए मैं 3 गोटा वाला लहसुन ली हूँ, और इसमें डाल दी हूँ लहसुन को, देखिए गोटा गोटा वाला, और इसमें ही फ्राई करूँगी इसको मैं, और इसको डाल दे रही हूँ। गाइस फाइनली चिकन है फ्राई हो गया है, और मैं इसको प्लेट में निकाल ली हूँ, और देखिए थोड़ा तेल और नहीं डालूँगी, तेल ऑयल बचा है, देखिए तेल बचा है, तो मैं इसमें डालूँगी। पहले जीरा से इसको फ्राई कर ली हूँ, लेकिन थोड़ा सा और जीरा डालूँगी क्योंकि, और देखिए मैं जीरा डाल चुकी हूँ, जीरा डालूँगी थोड़ा सा और पचमिर्च डालूँगी। अच्छा स्वाद आता है, अच्छा फ्लेवर आता है कच्चा मिर्ची से। दे पानी दे देते दादू, दे वहाँ पानी दे देना गिलास में दे दे। और रखी हुई कटा वाला प्याज, और इसमें मैं डाल रही हूँ, अरे भजिया चिकन में खाएंगे। इसमें मैं कुटा हुआ लहसुन था उसको भी डाल दी, और उसको मैं फ्राई होने देती हूँ, और इसमें मैं डाल दी टमाटर और मिर्ची वगैरह जो भी मसाला है उसको अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ऐड कर रही हूँ।
तो गाइस पूरा मेरा मसाला है वो रेडी हो गया है, मिर्ची और हल्दी और इसमें डाली हूँ मैं चिकन मसाला और एक छोटी इलायची अच्छा से फ्लेवर लाने के लिए, और कुटा हुआ धनिया और कस्तूरी मेथी। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ जो फ्राई किया था ना चिकन, उसको देखिए इसको मैं थोड़ी देर तल के अब इसमें मैं पानी डालूँगी और ऊपर से धनिया ऐड करूँगी और कच्चा वाला अच्छा से मिक्स हो गया ये भी देखिए। बहुत अच्छा दिख रहा है, लाइट के प्रकाश पे थोड़ा ये नहीं दिख रहा है, सुबह टाइम रहता तो अच्छा दिखता, नाइट है ना अभी नाइट हो गया तो थोड़ा डल डल दिख रहा है, लेकिन बहुत अच्छा से पक गया। तो गाइस देखिए हमारा चिकन का करी है वो, अब मैं पानी डाली हूँ तो बुलबुले आना भी स्टार्ट हो गया, गर्म हो गया पूरा, और इसमें मैं डाल दी हूँ कटा हुआ धनिया अच्छा से। तो फ्रेंड मेरा रेसिपी और मेरा ब्लॉगिंग आप लोगों को प्लीज़ पसंद आया होगा तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।